अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गर्ल्स कॉर्नर। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बालों के मुतालिक है। हमारे बाल बहुत रूखे बेजान और डेड हो जाते हैं हमारी प्रॉपर ना केयर करने की वजह से। अगर हम उनकी प्रॉपर केयर करें तो जिस तरह हमारी स्किन की प्रॉपर केयर करते हैं तो हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारी स्किन शाइन करती है, हमारी स्किन हेल्दी हो जाती है। इसी तरह अगर हम बालों की केयर करेंगे तो हमारे बाल ग्रो करेंगे, हमारे बाल शाइन करेंगे, हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। हम लोग कई दफ़ा बालों पे ऑयल नहीं लगाते, कई दफ़ा प्रॉपर शैम्पू यूज़ नहीं करते अच्छा सा, कई दफ़ा हम कंडीशनर अच्छा सा यूज़ नहीं करते। जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत डेड हो जाते हैं, रूखे सूखे और बेजान और बिल्कुल। और कई लड़कियों को ये भी मसला होता है कि उनके बाल बहुत शॉर्ट होते हैं और वो बाल बढ़ते नहीं हैं, मतलब एक एज तक वो बढ़ते हैं और एक एज के बाद जब वो 25, 26, 27, 28 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद उनके बाल बढ़ना कम हो जाते हैं, वो बाल ज़्यादा नहीं बढ़ते। इन सब मसलों का हल मैं ले के आई हूँ। और इस मसले का हल ये है कि 5 ऑयल्स का मिक्सचर है जो हम मिक्स करके अपने बालों पर अगर लगाएं तो हमारे बालों की तमाम प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं, हमारे हेयर्स बहुत बहुत ज़्यादा शाइनिंग, ग्लोई और लॉन्ग हो सकते हैं। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के इंग्रेडिएंट्स जो ऑयल के लिए यूज़ होते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑयल बनाने के लिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे सरसों का तेल। अब इसमें तेल नहीं है बिकॉज़ मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मिक्सचर बना चुकी हूँ और मिक्सचर इस छोटी सी बॉटल में नहीं आता। सबसे पहले हम मस्टर्ड ऑयल लेंगे, सरसों का तेल लेंगे। आप इसकी क्वांटिटी जो है वो 100 मिलीलीटर है, 100 मिलीलीटर क्वांटिटी आप ले लें सरसों के तेल की। सरसों का तेल हमारे बालों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छा होता है नेचुरल सरसों का तेल। बहुत मस्टर्ड ऑयल जो है वो आप कहीं से भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन मैंने मरहबा का लिया है। ये ऑयल अगर आप यूज़ करेंगे अपने बालों पे तो आपके बाल, इस ऑयल का एक फ़ायदा ये कि आपके बाल जो है वो हेल्दी होंगे, इससे आपके बालों में जान आएगी। ये सरसों का तेल बड़े बूढ़ियाँ जो हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं वो उस वक्त इस तरह के दूसरे ऑयल्स अवेलेबल नहीं थे, वो सिर्फ सरसों का तेल यूज़ करती थी। और सिर्फ सरसों का तेल यूज़ करने से उनके बाल आज भी देखें तो हमसे ज़्यादा, मतलब आजकल की जो गर्ल्स से ज़्यादा उनके बाल अच्छे हैं। वो उनकी रीज़न ये है कि वो सिर्फ मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती थी। आप लोग भी मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें तो इंशाल्लाह आप लोगों के बाल भी अच्छे हो जाएंगे। पहला इंग्रेडिएंट है उस मिक्सचर का, पहला इंग्रेडिएंट है मस्टर्ड ऑयल। 100 मिलीलीटर मस्टर्ड ऑयल हमने लेना है, आपको आसानी से मस्टर्ड ऑयल कहीं से भी मिल सकता है। आते हैं अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है धनिया का खालिस तेल। धनिया का जो तेल होता है, कोरिएंडर ऑयल जो होता है, प्योर ऑयल, वो हमें चाहिए, 100% प्योर ऑयल चाहिए। ओके, तो ये हमें कहीं से भी मिल जाएगा। अब कौन सी शॉप से मिलेगा, ये हमें वो पंसार की जो शॉप्स होती हैं उनसे मिलेगा ये धनिया का ऑयल। ये मैंने जी धनिया का ऑयल लिया है, 30 मिलीलीटर धनिया का ऑयल है। और इस धनिया के ऑयल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बालों के लिहाज से। धनिया का ये तेल कुदरती तरीके से साफ़ किया गया, 100% खालिस तेल है, ये क्लेम कर रहे हैं जी हक प्लांटर्स। तो आप अगर इस तरह हक प्लांटर से लें या कहीं से भी लें, आपको लेकिन खालिस धनिया का तेल होना चाहिए और ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये इसका जो खास फ़ायदा ये है बालों पे यूज़ करने का कि ये अब कई लोगों के करली और डल बाल होते हैं जिनमें जान नहीं होती, ये आपके बालों में जान देता है, आपके बालों को शाइन देता है। सबसे ज़्यादा ये शाइन देता है, जो धनिया का तेल है आपके बालों को शाइन देगा और आपके बालों को हेल्दी करेगा। नेक्स्ट हमारा था धनिया का तेल, ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगा। आते हैं अब थर्ड इंग्रेडिएंट की तरफ। थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा आलमंड ऑयल यानी रोगने बादाम। रोगने बादाम मैंने 50 मिलीलीटर लिया है और ये मरहबा का ही लिया है रोगने बादाम। ये भी आपको किसी भी पंसार की दुकान से या किसी भी अच्छी सी कॉस्मेटिक शॉप से भी मिल सकता है और मेडिकल स्टोर से भी मिल सकता है। और रोगने बादाम की जो खसूसियात है वो ये है कि ये जब अपने बालों पे लगाएंगे तो वो बाल लंबे होंगे। बाल जो है वो, अब बहुत से लड़कियों को मसला है कि उनके बाल बढ़ते नहीं हैं, ये आलमंड ऑयल आपके बालों को बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। क्योंकि
आलमंड आपको पता है कि हमारे दिमाग के लिए कितना ज़रूरी है और क्या फ़वाद हैं उनके। सो ये आलमंड ऑयल हमारे बालों को भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। सो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट था आलमंड ऑयल। सो हम नेक्स्ट चलते हैं जी अपने फोर्थ इंग्रेडिएंट की तरफ, और फोर्थ इंग्रेडिएंट है हमारा रोगने उशना। ये भी मैंने हब प्लांटर्स का लिया है, ये भी आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगा, और इसकी क्वांटिटी है 60 मिलीलीटर। रोगने उशना आपने शायद ना सुना हो पहले, लेकिन ये जो है वो आपको आसानी से पंसार की दुकान से आप मिलाएंगे लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये भी आपके बालों को बहुत फ़ायदा देता है, आपके बालों को हेल्दी करता है, आपके बालों को शाइन देता है, आपके बालों को जो है वो लंबा करता है रोगने उशना। सो हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट ये था रोगने उशना। आप इसको भी यूज़ करें। ये पांच ऑयल्स का मिक्सचर। अब लास्ट ऑयल जो हमारा रह गया है, ये हमारा एक था रोगने उशना, एक था आलमंड ऑयल, एक था धनिया कोरिएंडर ऑयल और एक था मस्टर्ड ऑयल। नेक्स्ट हमारे पास है रोगने खशखाश। रोगने खशखाश भी आपको किसी भी आम पंसार की दुकान से मिलेगा। और अब इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है, आपको ऊपर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि नींद लाता है और गर्मी से पैदा होने वाले दर्द सार को दूर करता है। ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको आप सार और पेशानी पर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी इसलिए नहीं लगा सकते, अगर आप मिक्सचर नहीं लगा सकते पेशानी पर, लेकिन अगर आप खाली रोगने खशखाश पेशानी पर लगाएंगे तो आपके सर को भी आराम लगेगा मिलेगा। सो आप जो है वो ये पांच ऑयल्स यूज़ करें। आप एक बॉटल ले लें, कुछ भी ले लें, टब ले लें, छोटा सा कुछ बॉटल ले लें, कुछ भी ले लें, इन सब ऑयल्स को मिक्स करें। सो ये ऑयल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। मैं आपको 100% गारंटी से कहती हूँ कि अगर आपके बाल कहीं से जड़ गए हैं, ये मर्दों के लिए भी मुफीद है और औरतों के लिए मुफीद है। अगर आपके बाल कहीं से जड़ गए हैं, या आपको शॉर्ट हेयर्स हैं लॉन्ग करने हैं, या फिर आपकी डल हेयर्स हैं डेड हेयर्स हैं उनको हेल्दी करना है, तो ये पाँच ऑयल्स उन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। आप इनको मिक्स कीजिए, आप इनको सर पे लगाइए, और फिर 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि ये आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे। आपके बालों के तमाम मसाइल हल कर देंगे और आपको आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इनसे आराम, एक तो रोगने जो खशखाश है उससे तो आपके सर को भी आराम मिलेगा, उसके आपके साथ जो दर्द सर रहता है वो भी ठीक होगा, और इसके अलावा ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये तमाम ऑयल्स फ़ायदा दें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि ये मैं 100% गारंटी के साथ सारे ऑयल्स आपको बता रही हूँ। अगर छोटा अब इन ऑयल्स का एक फ़ायदा ये है कि अगर आपके घर छोटा बेबी है, जिनके अक्सर आप ये देखा गया है कि जब हमारा छोटा बेबी पैदा होता है या कुछ, तो उनके सर पे बाल नहीं होते, बाल नहीं आते आसानी से। तो अगर आप ये वाले ऑयल मिक्स करके उसके सर पे भी लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे बाल उगेंगे, उनके बहुत अच्छे बाल आएंगे। सो ये वाले इन तमाम ऑयल्स का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप स्मॉल बेबीज़ में भी लगा सकते हैं, आप गर्ल्स पे भी लगा सकते हैं, वोमेन भी लगा सकते हैं, मैन भी लगा सकते हैं। ये सारे ऑयल्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे बालों के लिहाज से। सो उम्मीद अब मैं आपको, अगर प्राइस का इशू है तो प्राइस, सरसों का तेल तो बहुत आसानी से बहुत आराम से मिल जाता है। ये मैंने लिया था जी 100 ml, ये है जी 75 रुपीज़ का, आसानी से आपको मिल जाएगा। और ये जो हम रोगन धनिया है ये आपको मिलेगा जी 270 रुपीज़ का, ये मिलेगा। सो उसके बाद आया है आलमंड ऑयल, ये आपको मिल जाएगा 240 रुपीज़ का। उसके बाद ये आया है रोगने उष्णा, रोगने उष्णा आपको मिलेगा, इसकी प्राइस तो यहाँ पे नहीं लिखी भी, ओके 255 रुपीज़ का मिलेगा ये तो। और रोगने खशखाश आपको मिलेगा 100 रुपीज़ का। सो ये तमाम ऑयल्स इतने महंगे भी नहीं है, 900 या 1000 रुपये में आपके तमाम बालों के मसाइल हल हो जाएंगे। आई डोंट थिंक कि आपके बालों से ज़्यादा ये 1000 रुपीज़ होंगे। सो प्लीज़ अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, और अगर आपको ये ऑयल फ़ायदा दे तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे आने वाली वीडियोस को भी देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।